नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर नागरिकता क्या होती है, संविधान में नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है और CAA विवाद क्या है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नागरिकता क्या होती है? परिवार की ही भांति जब कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य का कानूनी और पूर्ण सदस्य होता है तो उसे नागरिक कहते हैं, जबकि नागरिक होने के स्टेटस को नागरिकता कहते हैं। जिस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेष अधिकार रखता है। तो इस तरह देखा जाए तो नागरिकता कुछ विशेष अधिकार रखने का अधिकार है। किसी भी देश में कई तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो होते हैं नागरिक, जो उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, और एक होते हैं विदेशी, जो उस देश के तो नागरिक नहीं होते हैं किंतु दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इसे भी दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक वैध और दूसरा अवैध। वैध विदेशी उसे कहते हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आता है और उतने समय तक रहता है जितने समय की उसे इजाजत दी गई होती है। वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, और इजाजत की अवधि उसे वीजा के माध्यम से दिया जाता है, यानी वो पासपोर्ट के साथ आता हो और वीजा के साथ आता हो तो उसे हम वैध विदेशी कहेंगे। कुछ देशों के संदर्भ में जहां के नागरिकों को पासपोर्ट और वीजा रखने की छूट होती है, ऐसे देशों से आने वाले व्यक्तियों को बिना वीजा और पासपोर्ट के भी वैध विदेशी माना जाता है। जैसे कि कोई नेपाल से अगर आता है तो उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना ही वीजा की जरूरत है, इसके बावजूद भी वो वैध विदेशी है। इसी तरह भूटान से भी है। अवैध विदेशी वे होते हैं जिनके पास या तो वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो या फिर जितने समय के लिए वीजा मिला हो उसके बाद भी वे भारत में रह रहे हों। तीसरे तरह के लोग होते हैं शरणार्थी। ये भी एक विदेशी होते हैं किंतु ये ना रोजगार के लिए आते हैं ना ही शिक्षा के लिए आते हैं, बल्कि ये शरण के रूप में आते हैं। उनके देश में या तो बहुत हिंसा होती है या तो उनका उत्पीड़न हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में वो किसी और देश में शरण मांगते हैं। ऐसे लोग को शरणार्थी कहा जाता है। पहले तो वो वैध या अवैध विदेशी के रूप में आते हैं, उसके बाद यदि देश उन्हें शरणार्थी का स्टेटस दे देता है तब वो शरणार्थी हो जाते हैं। नागरिक, विदेशी के अलावा व्यक्तियों की एक कैटेगरी और होती है जिसे राज्य विहीन व्यक्ति कहते हैं। राज्य विहीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो उस देश का नागरिक होता है जिस देश में वह रह रहा है, ना ही किसी और देश का नागरिक होता है। इनकी स्थिति इन तीनों से सबसे ज्यादा खराब होती है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या मुसलमान को ना म्यांमार ने अपनी नागरिकता दी है और ना ही भारत उन्हें। अब जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार होता है जो कि विदेशी या राजविहीन व्यक्ति को नहीं होता है, तो भारत में भी ऐसा है। जैसे फंडामेंटल राइट के कुछ अनुच्छेद केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। इसके अलावा मत देने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त होने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। इस तरह के कई और विशेषाधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नागरिकता के संदर्भ में कुछ बिंदुओं को और जान लेना जरूरी है। पहला, भारत में एकहरी नागरिकता है। अब एकहरी का क्या मतलब है? एकहरी का दो अर्थ है। एक तो भारत संघ है और कुछ संघों में दोहरी नागरिकता होती है, यानी राज्य की भी नागरिकता होती है और देश की भी नागरिकता होती है, जैसा कि अमेरिका में है। तो इस संदर्भ में भी भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है, केवल संघ की नागरिकता होती है, यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा ना कि किसी राज्य विशेष का। एकहरी नागरिकता का एक मतलब और होता है कि एक समय में केवल एक देश की नागरिकता। कुछ देश ऐसे हैं जो एक ही समय में अपने देश की नागरिकता भी देते हैं
और अपने नागरिकों को किसी और देश की नागरिकता लेने की छूट भी देते हैं, किंतु भारत ऐसा नहीं करता। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात, भारत केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। अब प्राकृतिक व्यक्ति क्या होते हैं? हम और आप प्राकृतिक व्यक्ति हैं। इसके अलावा लीगल पर्सन भी होते हैं, जैसे कंपनी, जैसे रिलायंस एक लीगल पर्सन है किंतु वह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए रिलायंस को नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, हमें और आपको नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता के संदर्भ में दो सिद्धांत प्रचलित हैं, इसे भी जान लेना जरूरी है। पहला, यूस सोली, इसका मतलब होता है, सोली का मतलब होता है सॉयल, यानी भूमि से संबंधित, उस स्थान से संबंधित। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह जन्म के आधार पर नागरिकता देने की बात करता है, यानी कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो भले ही उसके माता पिता में से कोई भी उस देश का नागरिक ना हो, फिर भी उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में इसी सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में यदि किसी अन्य देश के दंपत्ति किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वह बच्चा अमेरिका का नागरिक होने का हक रखेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नागरिक होने का अधिकार रखेगा, नागरिक नहीं होगा। यदि आवेदन किया जाता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। दूसरा सिद्धांत है यूस सैंग्विनिस, इसका मतलब होता है वंश के आधार पर। ये जन्म के आधार पर नागरिकता की बात नहीं करता, वंश के आधार पे नागरिकता की बात करता है। यानी कोई बच्चा अगर किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जन्म लेता है तो ये देखा जाएगा क्या उसके माता पिता या दादा दादी उस देश के नागरिक हैं या नहीं। यदि नागरिक हैं तो उसे नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इसके विपरीत यदि वह उस देश के भौगोलिक सीमा से बाहर कहीं जन्म लेता है तो भी उसके माता पिता जहाँ के नागरिक हैं वहाँ की उसे नागरिकता मिलेगी। जैसे कोई भारतीय दंपत्ति हो और भारतीय दंपति अगर ब्रिटेन में रह रहा है और वहाँ उसके बच्चे का जन्म होता है तब भी वह बच्चा भारत की नागरिकता पाने का हकदार होगा। अलग अलग देश अलग अलग सिद्धांत अपनाते हैं, लेकिन लगभग सभी देश इन दोनों सिद्धांतों को किसी न किसी मात्रा में स्वीकार करते हैं और भारत में भी इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, आइए अब उसे हम देख लेते हैं। संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के समय भारत का कौन नागरिक होगा। इसके अलावा संविधान नागरिकता के अर्जन और त्याग से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को देती है। इस तरह देखा जाए तो संविधान में नागरिकता से संबंधित सीमित प्रावधान किए गए हैं और नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, जो नागरिकता से संबंधित हैं। हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे कि आखिर उस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात करता है। यह प्रावधान करता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में है वह संविधान प्रारंभ होने की तिथि को भारत का नागरिक माना जाएगा, किंतु इसके साथ 3 शर्तें हैं। यदि इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा हो जाता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो पहला शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा शर्त है उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा, वह भारत में पिछले 5 वर्षों से रह रहा हो। ये 3 शर्तें थी जिसके आधार पर संविधान प्रारंभ होने की तिथि को किसी को नागरिकता मिल सकती थी अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से जो प्रवासी आए थे भारत विभाजन के समय इस मंशा से कि वह भारत में ही रहेंगे, उनके नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आए वे सभी व्यक्ति जो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत राज क्षेत्र में जन्मे हों उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कुछ लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे, ये डेट जो है संविधान सभा ने फिक्स किया था, और कुछ लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। इनके लिए अलग शर्तें थी भारतीय नागरिक होने के लिए
और इनके लिए अलग शर्तें थी। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया था उसे भारत का नागरिक मान लिया गया, लेकिन ध्यान रहे वह व्यक्ति इस मंशा से आया होना चाहिए कि वह भारत में रहेगा। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे उनके लिए शर्त रखी गई कि उन्हें 6 महीने तक भारत में रहना होगा और उसके बाद भारत सरकार ने जिस कार्यालय को इसके लिए गठित किया हो उस कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना होगा। इस तरह देखा जाए ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए पंजीकरण की शर्त नहीं रखी गई थी, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं उनके लिए पंजीकरण की शर्त रखी गई थी और पंजीकरण के लिए यह आवश्यक था कि वह 6 महीने तक भारत में रहा हो। अनुच्छेद 7 उनके नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान को चले गए हों। जो व्यक्ति भारत छोड़ के वह भारत जो 15 अगस्त 1947 के बाद का है पाकिस्तान चले गए हों उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पाकिस्तान तो गए इस मंशा से कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान से बेहतर तो इंडिया ही है और वे वापस लौट आए। तो अनुच्छेद 7 में यह भी क्लॉज रखा गया कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान को तो चले गए हों लेकिन कुछ समय बाद इस मंशा से कि वो भारत में रहना चाहते हैं भारत में आते हैं तो ऐसे लोगों को मान लिया जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं और उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 8 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत से बाहर जो भी मूल निवासी हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यदि वे चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष पंजीकरण कराना होता, सरल शब्दों में कहा जाए दूतावास में पंजीकरण करवाना होता। इस तरह अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 नागरिकता देने से संबंधित है। अनुच्छेद 9 नागरिकता के समाप्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 10 इस बात की गारंटी देता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के तहत जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने के दिन भारत के नागरिक हैं वे भारत के नागरिक बने रहेंगे। आसान शब्दों में इसका मतलब यही है। इसे जब हम अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। संविधान नागरिकता से संबंधित सीमित प्रावधान करता है और बताता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत के कौन नागरिक होंगे, और विस्तृत प्रावधान के लिए अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया कि इससे संबंधित कानून संसद बनाएगी। यानी संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से संबंधित जो कानून होगा उसे संसद बनाएगी और संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता अधिनियम 1955 इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ नागरिकता के अर्जन और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें नागरिकता के अर्जन के 5 आधार दिए गए हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। यानी नागरिकता के अर्जन वाले खंड में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे होगा। नागरिकता के अर्जन संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3 से लेकर 7 तक में किए गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं। जैसे इसमें 1957 में संशोधन हुआ था, 60 में हुआ था, 85, 86 में हुआ था, 92 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 2015 में हुआ था और अभी हाल ही में 2019 में हुआ है। और 2019 में जो हुआ है यही नागरिकता संशोधन अधिनियम है, यानी CAA, जिसपे बहुत विवाद
हुआ है और अभी भी हो रहा है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 86, 92, 2003, 2015 और 2019 इंपॉर्टेंट है, हम इसे पढ़ते वक्त इन संशोधनों को भी पढ़ेंगे। जब यह अधिनियम बना था तब ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक होगा, भले ही वो दंपत्ति कहीं और के हों। इससे बहुत दिक्कतें आने लगी, किसी और देश के नागरिकों के बच्चे जिनका जन्म भारत में होता था उन्हें भारत का नागरिक मानना पड़ता था। इस कारण 1986 में एक संशोधन लाया गया और यह कहा गया कि जन्म से वही व्यक्ति नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। यानी 1986 जब तक ये संशोधन नहीं हुआ था, ये 87 में लागू होता है, 1 जुलाई 1987, यानी 1 जुलाई 1987 के पहले कोई भी व्यक्ति यदि भारत में केवल जन्म ले लेता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। लेकिन 1986 के संशोधन के बाद स्थिति यह हो गई कि 26 जनवरी 1950 से लेकर, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो केवल जन्म के आधार पर उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद, यानी संशोधन के लागू होने के बाद, केवल भारत में जन्मा हो तो इस आधार पे केवल उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, इसके साथ उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक हो गया। अब यहाँ भी दिक्कत आने लगी। अब यहाँ दिक्कत क्या आने लगी, सपोज कीजिए माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो किंतु दूसरा अवैध प्रवासी हो, यानी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया हो, अफगानिस्तान से अवैध रूप से आया हो या किसी अन्य देश से अवैध रूप से इंडिया में आया हो, अगर दोनों की शादी हुई है और उसके जो बच्चे होते हैं तो इस प्रावधान के तहत उसे भारत का नागरिक मान लेना होता। इस कारण अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ ज्यादा से ज्यादा वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे ताकि वे भी वैध होते जाएं। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए वर्ष 2003 में एक संशोधन और लाया गया और इस संशोधन में ये कहा गया कि जन्म से वही व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। और ये 2003 का जो संशोधन होता है ये लागू होता है 3 दिसंबर 2004। अब यहाँ पे तीन क्लॉज हो गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक हर व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा भले ही उसके माता पिता भारतीय ना हो। 1987 के बाद स्थिति ये हो गई कि हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, या फिर यदि 1 जुलाई 1987 के बाद उसका जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी हो गया। ये स्थिति चलती है 3 दिसंबर 2004 तक। और 3 दिसंबर 2004 के बाद स्थिति ये हो जाती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चा जन्म लेता है वह तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा या तो माता या तो पिता जो भारत का नागरिक नहीं है वो अवैध प्रवासी ना हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों माता पिता दोनों भारतीय हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा वंश के आधार पर। अब ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि किसी व्यक्ति के माता पिता तो भारतीय हैं लेकिन वो भारत से बाहर रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म वहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है। जब ये अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ये क्लॉज था कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि उस व्यक्ति के भारतीय नागरिक बनने की एक शर्त यह है कि उसका पिता भारतीय होना चाहिए, यानी जिस बच्चे का जन्म भारत से बाहर हो रहा है उसके पिता को
जन्म के समय भारतीय नागरिक होना जरूरी था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पिता शब्द की बात कही गई है, माता शब्द की बात नहीं कही गई है। कोई स्त्री जो भारतीय नागरिक है, यदि वो भारत से बाहर किसी बच्चे को जन्म देती तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलता, यदि उसका पिता भारतीय नागरिक नहीं होता तो ये देखा जाए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है। तो इसे सुधारने के लिए 1992 में फिर एक बार संशोधन किया जाता है और ये प्रावधान कर दिया जाता है कि हर वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए हकदार है। तो यहाँ दो स्थिति हो गई, 1992 के पहले जिसका जन्म होता उसके लिए अलग कानून हो गया और 1992 के बाद जिसका जन्म होता उसके लिए अलग कानून हो गया। 1992 के पहले जिसका जन्म होता है उसके लिए शर्त थी कि उसका पिता भारतीय होना जरूरी है और 1992 के बाद जिसका जन्म होता है उसके लिए उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। और 1992 का जो संशोधन होता है ये लागू होता है 10 दिसंबर 1992 को, इसीलिए ये प्रावधान 10 दिसंबर 1992 से लागू है। यानी 10 दिसंबर 1992 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म होता है भारत से बाहर और उस समय उसका पिता भारतीय नागरिक है तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं। 2003 के संशोधन के बाद इस धारा में भी संशोधन किया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि जिस बच्चे का जन्म भारत से बाहर हो रहा है और उस समय उसके माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय है तब भी उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसका पंजीकरण उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में करा लिया जाए। यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद, 2003 वाला जो संशोधन होता है 3 दिसंबर 2004 को लागू होता है, के बाद की स्थिति यह है कि विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक होने का हकदार होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, दूसरा उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए पंजीकरण करा लिया गया हो। अगला है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है वह किसी ना किसी रूप से भारत से संबंधित हो, या तो वो भारतीय मूल का हो या फिर वैवाहिक संबंधों द्वारा भारत से संबंधित हो, यानी किसी भारतीय नागरिक से उसने शादी किया हो या फिर वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, तब उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। सोनिया गांधी पंजीकरण द्वारा ही भारत की नागरिक बनी थी। अब पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रहा हो, 7 वर्ष बाद ही वह व्यक्ति नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। इस 7 वर्ष में से 1 वर्ष उसे लगातार रहना हो जब वह पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा, उससे 1 वर्ष पहले से उसे लगातार भारत में रहना होगा। इसके अलावा जो बचा 6 वर्ष है, ये 6 वर्ष उसे 8 वर्ष में से 6 वर्ष भारत में रहना होगा। यानी बीच बीच में वो कहीं जा सकता है, लेकिन 8 वर्ष में से, यानी कुल 8 वर्ष में से उसे कुल 6 वर्ष भारत में रहना होगा, इसे इस 1 वर्ष को छोड़ के, यानी 1 + 6 यानी टोटल उसे 7 वर्ष रहना है, तभी वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। अगला है देशीकरण द्वारा। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आपको भारत के चाल ढाल में ढल जाना है, तो इसके तहत उन सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है जो पंजीकरण, जन्म और वंश के आधार पर भारत के नागरिक नहीं बन सकते। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जब वो आवेदन करे उससे ठीक 1 वर्ष पहले तक वो भारत में रहा हो। इस तरह देखा जाए तो 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को वो आवेदन करता है तो उसे पिछले साल के 1 जनवरी से भारत में कंटिन्यू रहना जरूरी है। अब यहाँ पे एक क्लॉज और दिया हुआ है, या तो भारत में रहे या तो भारत सरकार की नौकरी करे,
इसमें क्या अंतर है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी कर रहा है और वो विदेश में भी है तो भी उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा, उसे कुल 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा या भारत सरकार की नौकरी करनी होगी 14 वर्षों में से, यानी 14 वर्षों में से उसे कुल 11 वर्ष भारत में रहना है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करनी है। इस तरह से वो 3 वर्ष की या तो छुट्टी ले सकता है या तो भारत से बाहर जा सकता है। इसके अलावा उसे 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि देशीकरण के द्वारा भारत सरकार उन व्यक्तियों को जो कला, विज्ञान, दर्शन, मानव प्रगति और विश्व शांति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हों उन्हें उपयुक्त प्रावधानों से छूट दे सकती है और उसे तुरंत नागरिकता दी जा सकती है, तुरंत या कुछ समय बाद, जैसा भी भारत सरकार चाहे। जैसे यदि स्पीलबर्ग मशहूर डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो अगर भारत की नागरिकता चाहें तो भारत सरकार देशीकरण द्वारा उन्हें तुरंत नागरिकता दे सकती है। अगला है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत का भाग नहीं है लेकिन यदि वो भारत का भाग बन जाता है तो उसके जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल, सिक्किम जब भारत में मिला तो सिक्किम के जितने भी नागरिक थे भारत के नागरिक हो गए। गोवा जब भारत में मिला तो गोवा के जितने भी नागरिक थे भारत के नागरिक हो गए। तो इस तरह देखा जाए तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान थे। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पे। पांचवा, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पे। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 आधार दिए गए हैं। पहला, यदि कोई व्यक्ति बालिग है और स्वेच्छा से ये घोषणा करता है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी हाल में अक्षय कुमार पे बहुत विवाद हुआ था कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक हैं कि कनाडा के नागरिक हैं। यदि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली होगी तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो गई होगी। तीसरा, वंचित किया जाना। भारत को यह अधिकार है कि वह कुछ व्यक्तियों को कुछ आधारों पर भारत की नागरिकता से वंचित कर दे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं उन्हें भारत नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता। तो इस तरह देखा जाए तो पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा जो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें भारत नागरिकता से वंचित कर सकता है यदि वे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई छल किए हों, गलत डॉक्यूमेंट पे उन्होंने नागरिकता लिया हो या झूठ बोला हो कि वो 11 वर्ष रहे हैं, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई हो या उसका आदर ना किया हो, अनादर किया हो, युद्ध के दौरान शत्रु देश की सहायता की हो या उस देश के साथ अवैध व्यापार किया हो या किसी अन्य तरीके से मदद पहुंचाई हो, तो इन आधारों पे भारत उसे अपनी नागरिकता से वंचित कर सकता है। तो इस तरह देखा जाए तो हमने जाना कि नागरिकता की समाप्ति 3 आधारों पे हो सकती है, स्वेच्छा से या यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर देता है तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या फिर उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक हमने जितना पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? पहला विकल्प है भाग 1, दूसरा विकल्प है भाग 2, तीसरा विकल्प है भाग 3, चौथा विकल्प है भाग 4। तो हम जानते हैं कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। तो भाग दो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी। प्रश्न संख्या दो, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि किसी संघ में राज्य की अलग नागरिकता हो और देश की अलग नागरिकता हो, जैसा कि अमेरिका में किया गया है। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। भारत में जो संघ है उसमें राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, केवल देश की नागरिकता होती है। तो प्रश्न पूछ रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। पहला भारत, भारत में एकल नागरिकता है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। बी कनाडा, कनाडा में भी एकल नागरिकता है। सी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता है, यानी ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। डी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता। तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या तीन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यानी कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपनी नागरिकता कैसे खो देगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कूट से संबंधित प्रश्न है। पहला है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो वो अपनी नागरिकता खो देगा, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता को खो देगा, इस तरह देखा जाए तो दूसरा विकल्प भी सही होगा। तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा तो अपनी नागरिकता खो देगा, ये कह रहा है, ये गलत है। इसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। सानिया मिर्जा पाकिस्तान के नागरिक शोएब मलिक से शादी की हैं, उसके बावजूद भी वो भारत की नागरिक बनी हुई हैं, तो ये तीसरा क्या होगा, गलत होगा। चौथा, सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत होगा। सरकार की आलोचना करने से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त होती तो भारत के लगभग आधे से ज्यादा व्यक्ति भारत की नागरिकता खो देते। तो इस तरह देखा जाए तो पहला और दूसरा सही होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी हमें सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर होगा एक और दो। तो पहला विकल्प है एक, दो और तीन, ये नहीं होगा। बी विकल्प है दो, तीन और चार, ये भी नहीं होगा। सी है केवल एक और चार, ये भी नहीं होगा। डी केवल एक और दो, ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।